क्या लगता है आपको? देखिए, मैं पूरी तरह से इस जनता के भरोसे हूँ। जनता से पूछ कर ही मैंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है और ये चुनाव ऋतु बनावत नहीं लड़ रही। ऋतु बनावत केवल एक नाम है, जनता चुनाव लड़ रही है। इस पर ये इतनी कीचड़ है कि उसमें से निकलना भी मुश्किल है। वोटों के टाइम पर आएंगे, हाथ जोड़ेंगे और वोट मांगते हैं, लेकिन जैसे ही वोट मिलते हैं उसके बाद वो भूल जाते हैं। और अब और कैंडिडेट को ये सोचनी चाहिए कि मतलब हम बैठ जाएं, एक निर्विरोध कैंडिडेट इसी को खड़े कर दें, भलाई है उसी में, नहीं बुरी तरह मतलब उनके वोटों से पिटेंगे। भरतपुर जिले की बयाना विधानसभा सीट से ट्रायंगल बताया जा रहा है, बीजेपी, कांग्रेस और एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं ऋतु बनावत। ऋतु बनावत 2013 में निर्दलीय लड़ी, 2018 में बीजेपी से लड़ी थी। दोनों ही चुनावों में महज 5000 मतों से शिकस्त का सामना उनको करना पड़ा था, लेकिन इस बार उनको बीजेपी ने टिकट नहीं दी है। कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि बागी क्या एक रिवॉल्ट बीजेपी में के लिए काफ़ी परेशानी का सामना करना भी पड़ रहा है। यहाँ बयाना विधानसभा सीट से हैं ऋतु बनावत। ऋतु, आप 2002 चुनाव भी लड़ चुकी हैं, उनमें से एक बीजेपी से भी लड़ी थी 18 में, इस बार टिकट नहीं। देखिए, टिकट नहीं मिलने का कारण तो पार्टी ही जाने ज़्यादा, तो लेकिन जो मेरे जिनको टिकट दिया गया है उन्होंने बयाना के प्रमुख लोगों से ये कहा, मेरी भाषा नहीं बोल रही हूँ मैं, उन्होंने प्रमुख लोगों से ये कहा कि मैं तो 10 करोड़ लेके बैठा हूँ और टिकट मेरी मैं लेके आऊँगा। तो आप, उनकी भाषा है ये, मेरी तो मेरे को तो पता नहीं है, लेकिन उन्होंने ये बात बोली है और टिकट लेके वो पैसे से आ गए। अब जनता बताएगी, क्योंकि मैं तो आज किसी भी पार्टी के सिंबल पर नहीं हूँ, जनता के टिकट पर चुनाव लड़ रही हूँ और जनता ही तय करेगी कि विधानसभा कौन जाएगा। जनता ही तय करती है, इसमें कोई शक नहीं। बच्चू बंसीवाल का एक भी कहना है कि 2018 में ऋतु को जो टिकट दिया था बीजेपी ने, वो बहुत गलती की थी बीजेपी ने, ये सब। अब जो प्रत्याशी है उनको ये मालूम नहीं कि जिस पार्टी से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं उसकी गलती वो बता रहे हैं, और अब किस हिसाब से गलती की ये मेरे को समझ में नहीं आया। मैं ऋतु बनावत SC से बिलोंग करती हूँ, मेरे पिताजी, मेरी पूरी फैमिली SC से है, सर्टिफिकेट आप चेक कर सकते हैं। और अगर मेरा सर्टिफिकेट SC का नहीं होता तो संविधान मुझे ये अधिकार नहीं देता कि मैं इस SC की सीट से चुनाव लड़ूँ। और रही बात उनको ये कहने की कि गलत निर्णय किया, अगर गलत निर्णय होता तो संभाग में सबसे ज़्यादा वोट ऋतु बनावत के नहीं आते। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अब चैलेंजेस क्या हैं, आप जो कैंपेन अब कर रही हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं पूरी तरह से इस जनता के भरोसे हूँ। जनता से पूछ कर ही मैंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है और ये चुनाव ऋतु बनावत नहीं लड़ रही। ऋतु बनावत केवल एक नाम है, जनता चुनाव लड़ रही है इस पर, इस वक्त। और तो इसका मतलब ये माने, जैसे आप कह रही हैं कि बच्चू बंसीवाल पैसे के बल पर टिकट लाया, आज भी एक उनका कैंपेन का एक वीडियो सामने आया था, वो रुपए की माला पहन के घूम रहे थे, तो क्या लगता है कि जो धन बल है उस वो भारी पड़ेगा आप? देखिए, कई बार ऐसा लोकतंत्र में उदाहरण है कि लोग धनबल का प्रयोग करना करके राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन जनबल ने, कई बार ऐसा हुआ है और इस विधानसभा सीट पर भी हुआ है कि जनबल ने उनको अच्छा सबक सिखाया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जनबल भारी रहेगा धनबल पर। बिल्कुल, जनबल भारी रहेगा धनबल पर। ये ऋतु बनावत हैं, दो विधानसभा चुनाव लड़ चुके, जिनमें से एक बीजेपी पर भी लड़ी थी। खास बात ये रही कि दोनों विधानसभा चुनाव ये महज 4-5, 5.5 समथिंग इतने हज़ार मतों से चुनाव हारी थी, लेकिन इस बार बीजेपी से टिकट मिलने की उम्मीद थी, ऐसा नहीं हुआ, टिकट काट दी गई, दूसरे को टिकट दे दी गई। लेकिन ऋतु बनावत मैदान में हैं और दावा ठोक रही हैं, और कहीं ना कहीं जनता को ये फैसला करना है कि आखिर होना क्या है। कुछ लोग भी हैं यहाँ जिनसे बात करेंगे, आप जरा आ जाइए, आप बता दीजिए, आप आ जाइए, ये देख लीजिए किस तरह से हमारा विधायक कैसा हो। एक अम्मा है, एक विधायक कैसा हो, एक अम्मा, ये कौन आई है यहाँ पे? ऋतु बनावत। अच्छा, आप बताएं, ऋतु बनावत है सब, क्या लगता है वोट इनको ही देंगे? सब जनता इसको ही देगी, और कोई इस बार ऐसी क्या खास वजह है इस बार इनको दे रहे हैं? बार बार पढ़ी लिखी है, बढ़िया अच्छी है, सीधी सादी है, बिनको बुलाओ और भी जर देखेंगे। काका जी, क्या बता रहे थे आप? ये कई गांव में दो टिकट दे दिए बीजेपी कांग्रेस को, जो टिकट दिया वो एक ही गांव के? हाँ, ये कई गांव के काका भतीजे हैं, दो काका भतीजे हैं और ये कई गांव में दे दिए, और जनता ही ना आएगा, कोई टिकट में ही वोट आएगा, जनता पे वोट है।
रितु बनावत देखे दो बार परफॉर्मेंस अच्छा रहा लेकिन 5000 वोटों से भी हारी। हाँ 5000 अंदर हारी, पहले क्या लगा मार हार गई, आपकी जीत आएगी। अच्छा पिछली बार पायलट सचिन के मार। अच्छा कांग्रेस को सपोर्ट किया था गुजर समुदाय। हाँ गुजरन को, आपके गुजरन को और रितु खाजे पूरो एक मिनट आप। हाँ जी, क्या मतलब जो पहले जो चुनाव हुआ MLA को, जो पहले मतलब केवल हमें मतलब गुजर समाज थे, कांग्रेस पार्टी के द्वारा में सचिन पायलट के जरिए हम जुड़ गए और यही पार जा रहे हैं पहले भी। और कैंडिडेट को ये सोचनी चाहिए कि मतलब हम बैठ जाएं, एक निर्विरोध कैंडिडेट इसी को खड़े कर दें, भलाई है उसी में नहीं बुरी तरह मतलब उनके वोटों से पिटेंगे और दोनों पार्टी पिटेंगी, बीजेपी भी पिटेगी, कांग्रेस भी पिटेगी और निर्दलीय ये भी पार जाएगी। भयाना जो विधानसभा सीट है वो ऐसे के लिए आरक्षित है, इनका गुर्जर समुदाय के लोगों का कहना है 2018 के विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट के आने की वजह से कांग्रेस को सपोर्ट किया था, इसलिए रितु बनावत 5000 समथिंग मतों से हार गई थी, लेकिन इस बार गुर्जर समुदाय ने तय किया है 50000 से जीतेगी, रितु बनावत को 50000 वोट से जीतेगी कम से कम, ये आंकड़ा है। क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस के खिलाफ भी गुर्जर समुदाय इन दिनों देखने को मिल रहा है, बीजेपी जो कैंडिडेट हैं वो भी कितना भारी पड़ेंगे, रितु बनावत कितना उभरेगी, जनता का सपोर्ट क्या होगा वो भी देखने वाली बात होगी। महिला भी हैं जो कुछ कहना चाहती हैं। देखिए पिछले बहुत बार चुनाव हुए हैं, बहुत प्रत्याशी जीते, लेकिन उन प्रत्याशियों ने जीतने के बाद गांव में आकर देखा क्या कि कहीं निकलने का कोई रास्ता है? नहीं है, इतनी कीचड़ है कि उसमें से निकलना भी मुश्किल है। वोटों के टाइम पर आएंगे, हाथ जोड़ेंगे और वोट मांगते हैं, लेकिन जैसे ही वोट मिलते हैं उसके बाद वो भूल जाते हैं। लेकिन ये प्रत्याशी जो हैं निर्दलीय प्रत्याशी हैं श्रीमती डॉक्टर रितु बनावत, हारने के बाद भी जो 2013 में ये हारी थी, हारने के बाद भी इन्होंने किसी भी गांव से किसी भी जन से रिश्ता नहीं तोड़ा, बराबर ये संपर्क बनाए रखी हैं, हर सुख में हर दुख में हर समस्या में किसी भी लड़ाई हो कोई भी ये लोगों की भावना है। दरअसल ये बताते हैं ऐसी के लिए सुरक्षित है ये सीट बयाना और गुर्जर बाहुल्य सीट है, गुर्जर बाहुल्य सीट है। 2018 में कांग्रेस सपोर्ट किया था लेकिन इस बार गुर्जरों में कांग्रेस प्रति थोड़ी नाराजगी है और यही कारण है कि रितु बनावत जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनके साथ जो गुर्जर समुदाय वो साथ आ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले जो समय है उसमें क्या होता है और काफी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी वालों ने 2018 में रितु को हराया था, केवल मात्र वो 10 आदमी ही बीजेपी असली बीजेपी इस निर्दलीय प्रत्याशी के साथ है। अब बीच में सो सब हूँ अकेला बयाना में समझ गया, बीच बीच में जो आप बताते हैं मैं एंड करने जाता हूँ। और किसी को कहना तो अभी भी बता दीजिए, और कोई बोलना चाहता है? खुली बात है सर, बहुत दिन से मैं कार्यकर्ता हूँ बीजेपी का, आज तक और कोई पार्टी वोट नहीं दिया। अब मैं बता रहा हूँ हकीकत में पूरी समाज, एक समाज नहीं 3600 कौम का वोट मिलेगा और अच्छी तरह से वोट मिलेगा, बहुत बड़ी जीत होगी। यानी कि बीजेपी के टिकट वितरण पर जिस तरह सवालिया निशान उठते रहे हैं, बयाना विधानसभा सीट पर भी वही सवालिया निशान उठ रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि समय जो आ रहा है 25 नवंबर को किसके भाग्य का फैसला ये जनता करती है वो देखने वाली बात है।